कर्नाटक में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर है। बेंगलुरु में मुस्लिम क़यादत को लेकर कांग्रेस के लीडरान की एक खसूसी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडरान मौजूद रहे, खास करके के रहमान खान, साबिक वजीर बीजट जमीर अहमद खान और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के सलीम अहमद खान और दीगर अहम लीडरान तनवीर सेठ और जितने भी MLAs हैं, यूटी खादर, दीगर MLAs और MPs, साबिक MPs भी उसमें शामिल रहे, साबिक MLAs भी शामिल रहे। खास करके इस मीटिंग का जो मुद्दा है वो जितने मुस्लिम इलाके हैं जहां उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं वहां से टिकट का मुतालबा करना था, और साथ ही साथ जो वोटर्स लिस्ट में मुसलमानों के नाम जो डिलीट हुए हैं उस ताल्लुक से भी बातचीत हुई। और तकरीबन 100 दिन के करीब जो इंतखाबात के बचे हैं उन 100 दिनों में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से फिस्ताई ताकतों को हराना है और कांग्रेस को एक मरतबा हुकूमत में लाना, इस पर बातचीत हुई। ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो है वो कांग्रेस की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वहाँ पर डिस्कशन होगा। इस ताल्लुक से KPCC में सलीम अहमद ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, तमाम मुस्लिम लीडरान और MLAs, साबिक MPs और MLCs और साबिक MLCs भी उसमें शामिल रहे क्योंकि काफ़ी अहमियत की हामिल है ये मीटिंग। इंतखाबात के इतने करीब में जो है ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग की सबसे अहम वजह यह मानी जा रही है कि टिकट का मुतालबा किस तरह से किया जाए, क्योंकि JDS की तरफ से भी काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, BJP की तरफ से मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश हो सकती है, और इस जिस तरह से नफरत का बाज़ार गर्म है ऐसे हालात में कांग्रेस किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकती है, इस ताल्लुक से बात हुई। और 100 दिन का पूरा टारगेट इस पूरे मीटिंग में, 4 घंटे की मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। आइए जानते हैं सलीम अहमद इस ताल्लुक से क्या कह रहे हैं। साबिक वजीर बीजट जमीर अहमद खान से भी बात करने की कोशिश की गई लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ सलीम अहमद खान साहब ने मीडिया से बात की है, और क्योंकि अभी तक इसका कोई लाए अमल पूरी तरह से नहीं सामने आया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मीटिंग का दूसरा हिस्सा भी मुनक्कद हो। अगर ऐसी इस मीटिंग को दूसरे किस्त में अगर ये मीटिंग होती है तो उसमें कोई चीज़ें सामने हमें देखने को मिल सकती है। द मीटिंग विच इज कॉल्ड टुडे मॉर्निंग डिलीबरेट फॉर चार घंटे डिलीबरेशन हुआ हमारा, तो काफ़ी मुद्दे हम लोग डिस्कस किए, खासतौर जो वोटर्स का डिलीशन जो रहा, जो काफ़ी मुसलमानों को वोट डिलीट कर रहे हैं, तो एक प्लान स्ट्रेटेजी है BJP की, उस पर बारे में डिस्कशन हुआ और क्या डिलीशन के बारे में इंक्वायर करना चाहिए और आगे ना दिनों में और भी उनको दोबारा वोट्स को जमाने में हमारा रोल क्या है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। दूसरा वोट ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट 100 डेज 100 दिन हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, और सारे हमारे सीनियर लीडर्स में पार्टिसिपेट किए थे, रहमान खान साहब थे, पूरे हमारे एक्स मिनिस्टर्स थे, नज़ीर अहमद, जमीर अहमद, यूटी खादर, तनवीर सेठ, रहीम खान, सारे मिनिस्टर्स, मेरे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे, सारे हमारे ऑफिस बेरस थे, सारे करीबन 55 लोग जो सीनियर पार्टी के लीडर्स थे और चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस और KPCC ऑफिस बेरस। तो डिस्कशन हुआ कि डिलीबरेशन हुआ कि आने वाले दिन में किस तरह हमें काम करना है, किस तरह कांग्रेस को वापस लेके आना कर्नाटक में। तो इस सिलसिले में 3-4 एजेंडा के पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो कांग्रेस को इस कर्नाटक में दोबारा लेके आना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह जो हालात BJP वाले बना चुके हैं, चाहे हिजाब के बारे में, हलाल के बारे में, सब ये टोटली डिस्टर्ब करने लगे हुए हैं और स्टेट में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज लोगों का जो रुख है ना कांग्रेस की तरफ है, आज लोग चाहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में आए जिसमें अमन, शांति, भाईचारा रहे और डेवलपमेंट रहे, और ख़ासतौर जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो तकलीफ दे रहे हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारी जो मीटिंग हुई उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में करीबन 100 लोग अप्लाई कर चुके हैं टिकट्स के लिए, वो भी हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। KPCC प्रेसिडेंट DK शिवकुमार साहब और सुजयवाला साहब में सारे हमारे लीडर्स डेलीगेशन रहमान खान साहब की लीडरशिप में हम लोग जाके मिल के जो है जहाँ जहाँ टिकट हमें मिलनी चाहिए, जहाँ हम जीत रहे हैं वहाँ ज़्यादा टिकट हम मांगेंगे। ये डिलीबरेशन करीबन 4 घंटे हम लोगों ने की। कुल मिला के आज सीधी लड़ाई, आर पार की लड़ाई है कांग्रेस और BJP में, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है, नहीं लड़ाई है आज माइनॉरिटीज जो है हर चीज़ जानते हैं। अगर कर्नाटक में कोई BJP को रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, कोई हुकूमत बना सकता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी बना सकती है। तो हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, लोग हर चीज़ जानते हैं, कोई मुस्लिम डिवाइडेड नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस मुसलमानों के साथ है। और जिस तरह आज मुसलमानों को जो तकलीफ दे रहे हैं इस फिरका परस्त, इस गवर्नमेंट, वो चाहते हैं कि अगर कोई रोक सकता है कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोकती है, अगर कोई हुकूमत बना सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बना सकती है। ऑलरेडी हम लोग हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर परमेश्वर इज अ चेयरमैन ऑफ द
manifesto committee. So we are going to have a discussion with him regarding points to be included in the manifesto. Definitely, a lot of issues we are going to take up for the youngsters, for the minorities, definitely, because a lot of we'll keep the points in the agenda, not only taking out, definitely that whatever is required for the minorities will definitely put in the agenda.